सो कमिंग टू आर रीसेंट हायरिंग जो कि है अपोलो टायर्स, हम उनके लिए भी हायर कर रहे हैं. 7 दिन के अंदर उनके हाथ में जॉब होगी. हम उनको रूम फैसिलिटी और फूडिंग फैसिलिटी दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं. सी हायरिंग तो हमारे पास बहुत अच्छे नंबर में है, विच इज़ 100+, और अभी एक्टिवली ही हायर कर रहे हैं हम इसके लिए. जी यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ मेल के लिए? सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन में. और आज हम जिस ऑफिस में आए हैं, ये बहुत बड़ा ऑफिस है. बेसिकली यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं रेगुलर बेसिस पर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि जानी मानी कंपनी में है. आप सभी उस कंपनी का नाम जानते हैं और यहाँ पर अभी जो हायरिंग चल रही है बेसिकली ITI ऑल ट्रेड्स वालों के लिए वैकेंसी चल रही है. सैलरी पैकेज बहुत अच्छा दिया जा रहा है और खाने पीने रहने की भी सुविधा आपको दी जा रही है. तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ हैं हिमांशी मैम, जो कि आपको पूरी जानकारी देने वाली हैं कि ये वैकेंसी कौन सी कंपनी में आई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक ये हायरिंग चलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी मैम के ही जरिए. लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट आती है सबसे तेज और सबसे पहले. सो मैम, जैसा कि मैंने आपका नाम ऑलरेडी लोगों को बताया है, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे व्यूअर्स को, आपकी जो कंपनी इतनी बड़ी है यहाँ पर जो कि बहुत सारी हायरिंग्स आए दिन लोगों के लिए लेकर के आती है, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए. सो जैसा कि अभी अंकिता जी ने बताया, अभी हम करंटली अपोलो टायर के लिए हायर कर रहे हैं. एंड जस्ट लाइक शी हैव मेंशनड, आर कंपनी नेम इज़ नवर्णा भारत. बेसिकली वी हैव आर बिजनेस बेस्ड आउट इन 3 different वर्टिकल, जो कि है स्टाफिंग, FMCG और ITITS. मेजरली हमारा जो फोकस अभी है वो है स्टाफिंग, जिसमें हम अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्लाइंट्स के लिए हायर करते हैं. हमारा जो मेजर ग्राउंड हम इसमें कवर करते हैं, इट इज़ 10th, 12th ITI और डिप्लोमा. सो कमिंग टू आर रीसेंट हायरिंग जो कि है अपोलो टायर्स, हम उनके लिए भी हायर कर रहे हैं. इट इज़ बेस्ड आउट इन श्री सिटी, आंध्र प्रदेश. अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, सो वी आर हायरिंग फॉर कैंडिडेट जिन्होंने ITI किया है, दैट इज़ 2 year सर्टिफिकेशन विथ NCVT. जी, तो ITI का डिप्लोमा हर किसी सारी फील्ड, सारी ट्रेड के बच्चों को आप ले रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं? जी वैसे तो सारे ही ट्रेड हैं, बट इसमें 3 ऐसे ट्रेड हैं जिसको हम अभी इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज़ कोपा, सिविल और ड्राफ्टमैन. इन 3 ट्रेड को छोड़ करके सारे ही एक्सेप्टेबल हैं इस रोल के लिए. जी तो अगर हम बात करें कि ये वैकेंसी बेसिकली आपने बताया आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में मेजरली कौन से एरिया में है मैम काम? इट इज़ इन श्री सिटी. श्री सिटी इज़ दी जहाँ डिस्ट्रिक्ट जहाँ की ये हायरिंग है. अपोलो टायर का वहाँ पे बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है. जी ओके. मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ मेल के लिए है? नहीं नहीं, ये जो हायरिंग है अब ये बेसिकली मेल कैंडिडेट्स के लिए है, बिकॉज ये प्लांट पे जाकर ये काम करना है वहाँ पे, सो इट इज़ बेसिकली फॉर मेल. और ये हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जिसमें हम कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं. ये हमारा 1 साल का प्रोग्राम है एंड दे विल बी वर्किंग एज एन अप्रेंटिस. अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूँ तो इसमें हम अभी इनिशियली 15,500 स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि आपको आपके स्टाइपेंड के अलावा आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम भी है, विच इज़ 1,000 बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड योर अटेंडेंस विच यू विल बी हैविंग इन एवरी मंथ. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा अटेंड पूरे 26 डेज वर्किंग रहेगा वैसे तो 26 डेज वर्किंग रहता है तो 1,000 रुपये उसे अलग से मिलेंगे 15,500 के अलावा. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. इसके अलावा कंपनी ने रिटेंशन पॉलिसी भी अपनी एक रखी हुई है, जिसमें कि अगर कोई कैंडिडेट 6 महीने से ज़्यादा कंपनी में काम करता है तो उसे हम एज अ रिटेंशन बोनस एक अमाउंट प्रोवाइड करेंगे जो कि होगा 5,000 से 7,500 के बीच में. अच्छा, कोई कैंडिडेट जो कि अभी ज्वाइन करता है और 6 महीने कंटिन्यू इस कंपनी में काम करता है तो जो सैलरी आ रही है प्लस जो 1,000 रुपये अलग से आ रहे हैं उसके अलावा 6,500 से 7,000 के बीच में और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो उनको दिया जी बिल्कुल. इसके अलावा कंपनी में चूंकि लोकेशन है आंध्र सिटी, आंध्र प्रदेश श्री सिटी, सो
अगर एरिया कंसिडर करें तो अभी क्या कर रहे हैं कंपनी, 3 महीने का इनिशियल हॉस्टल और फूडिंग भी प्रोवाइड कर रही है ताकि कैंडिडेट वहाँ जा करके कंफर्टेबल होकर के अपना काम में इंगेज हो सके और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ वो अपना कन्वीनियंस बाहर कहीं देख सकता है। बट इनिशियल 3 महीने के लिए हम उनको रूम फैसिलिटी और फूडिंग फैसिलिटी दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 महीने के लिए फ्री है या चार्जेबल है? नो, दिस इज फ्री फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए आपको खाना पीना रहना जो है वो फ्री दिया जा रहा है। आफ्टर 3 मंथ जब आपको वहाँ पर अच्छा लगने लगे, आप अच्छे से सेटल हो जाएं, तो आप अपने हिसाब से जो है रूम्स वगैरह शेयरिंग में भी अवेलेबल होते होंगे। जी, लोकेलिटी में आपको चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ले सकते हो। तो सुपरवाइजर्स वगैरह आपके मदद करेंगे? जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैम ये कब तक हायरिंग्स चलेगी, कितने नंबर्स में हायरिंग्स हैं? हायरिंग तो हमारे पास बहुत अच्छे नंबर में है, विच इज़ 100+, और अभी एक्टिवली ही हायर कर रहे हैं हम इसके लिए। जी, सो अभी एक ड्राइव तो हम इसकी आने वाले टाइम पर ही कर रहे हैं ताकि वहाँ पे हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हायरिंग है वो क्लोज हो सके। okay. जी ठीक है, तो अब बच्चे हैं जो कि अप्लाई करेंगे मैम, और इस वीडियो को, ये वीडियो हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली डला रहेगा, साल भर साल लोग देखेंगे, तो उसके बाद अगर कोई अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करता है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करता है तो क्या उनको तब भी यहाँ से कोई नौकरी मिलेगी? जी, जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स के लिए अपनी हायरिंग करते हैं, सो हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो कि नोएडा बेस्ड हैं, गुड़गांव बेस्ड हैं, गाज़ियाबाद बेस्ड हैं, और चूँकि हम अपना क्लाइंट बेस बढ़ा रहे हैं सो फॉर श्योर जो हमारे साथ क्लाइंट कैंडिडेट जुड़ रहे हैं उनके लिए आगे भी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। और आई एम नॉट श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, बट हमारी जो कंपनी है वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इट एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो जो बहुत जल्दी नवर्णा ग्रुप से हमें आउट ऑफ इंडिया की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज। जी बिल्कुल, एक्चुअली हमने पहले भी कर रखा है एक दो प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें हमने फॉरन की हायरिंग करी है, सो हेयर ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड इट। जो ऐसे जो कैंडिडेट हमारे साथ इस अभी जुड़ रहे हैं तो फॉर श्योर देयर इज अ गारंटीड जॉब फॉर देम ऑल्सो इन अपकमिंग फ्यूचर फॉर अब्रॉड। सो गाइज, देखिए ये चीज़ मुझे बहुत नई पता चली है, पहले भी मैंने यहाँ से एक या दो वीडियो पोस्ट की है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो इस कंपनी में आने वाले टाइम में अब्रॉड की भी वैकेंसी आने वाली है, आप आउट ऑफ इंडिया भी अगर काम करना चाहते हैं तो मैम से जुड़िए, जो फॉर्म है मैम ने जो आपको दिया है उसको फिल कीजिए। और मैम आपसे भी कहना चाहूँगी कि जब अब्रॉड की वैकेंसी आती है तो आप हमें दोबारा यहाँ पर बुलाइएगा ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो उसमें अप्लाई कर सके और इंडिया के साथ साथ उनको बाहर की भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। और मैम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या प्रोवाइड करी है, कॉन्टैक्ट नंबर या? हाँ जी, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको भी सजेस्ट किया था कि इस हायरिंग के लिए हम बेसिकली एक हमें फॉर्म फिल कराना है, बिकॉज दैट्स दी प्रोसेस जो हमें क्लाइंट एंड से फॉलो करना है। तो वी आर शेयरिंग वन गूगल फॉर्म जिसमें कि कैंडिडेट्स को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बेस्ड ऑन दोज रिकॉर्ड्स विल कनेक्ट विद देम, और अगर वो हमारी क्रिटेरिया मैच करेंगे तो फर्दर हम उनका स्क्रीनिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, देन उसकी फर्दर इंटरव्यू हम अलाइन कराएंगे जिस भी लोकेशन के होंगे वो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, पोस्ट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम क्लाइंट एंड विल हायर देम। लगभग कितना टाइम लग जाएगा बच्चे के सिलेक्शन में? देखिए, अगर वो आज अपकमिंग 1 से 2 दिन में अगर फॉर्म भरते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल टेक ऑल टुगेदर अ वीक, 7 दिन के अंदर उनके हाथ में जॉब होगी। जी, तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ आंध्रा के बच्चे? नहीं, देखिए इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश को छोड़ करके कहीं से भी कैंडिडेट हम हायर कर सकते हैं। जी, मतलब लोकल बंदे नहीं है? जी, लोकल के हायरिंग नहीं है ये, आंध्र प्रदेश के बाहर के सारे कैंडिडेट्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको काम क्या क्या करना होगा? सी, बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, वो जिस भी ट्रेड के होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड से हैं, चाहे वो दूसरे ट्रेड से हैं, तो बेस्ड ऑन दैट उनको वहाँ पे असाइनमेंट होगा। जैसे कोई लाइन ऑपरेटर होगा, कोई असेंबली ऑपरेटर हो गया, तो दीज विल बी थिंग्स। मतलब जो ट्रेड है जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है उसी ट्रेड से? यहाँ पे 3 ट्रेड का एक्सेप्शन है जो कि है कोपा, इलेक्ट्रिकल, सॉरी ड्राफ्टमैन एंड सिविल, ये 3 का एक्सेप्शन है, रेस्ट आर एक्सेप्टेबल। मतलब जो इन 3 ट्रेड से नहीं है वो लोग यहाँ पर अप्लाई ना करें, रेस्ट ऑल कैन अप्लाई। जी ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मैम, और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनमें से जो एलिजिबल हैं, जो आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तो उन सभी की नौकरी लगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम रेगुलर बेसिस पर हर एक कंपनी में विज़िट करते हैं और आपको वेरीफाइड ऐसी जानकारी, जैसे कि यहाँ पर मैं आई हूँ और यहाँ का स्टाफ भी मुझे दिख रहा है, बहुत लोग आप लोगों को नौकरी दिलाने में जुटे हुए हैं, पूरे जो है सुबह मॉर्निंग से आई थिंक सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर और सिर्फ हायरिंग का ही काम करते हैं। जी, नौकरी दिलाने
जाने का ही काम करते हैं। तो ये सभी कंपनी में जितने भी लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब काम आपको दिलाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जुड़िए, मैम का कांटेक्ट नंबर प्लस फॉर्म और प्लस क्यूआर, आप एक क्यूआर, हाँ बेसिकली हम एक क्यूआर प्रोवाइड कर रहे हैं। वंस यू विल स्कैन इट, आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन होकर आएगा। उस गूगल फॉर्म में आपको अपने बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि जो कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके भी यहाँ पर वो फॉर्म है कि आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, आपने ITI कौन से ट्रेड से किया है, कितने साल का है, कौन से बोर्ड से किया है, NCVT से है या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ही ये फॉर्म है। सो आप उसको भरिए, हमारे पास आपका रिकॉर्ड आएगा, हम आपसे कनेक्ट करेंगे। एंड अगर आप हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो फॉर श्योर हम आपसे कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। QR जो है वेबसाइट पर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी वेबसाइट पर दिया है, और जो फॉर्म है वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है, आप मोबाइल फ़ोन से और अपने डेस्कटॉप से, जो है लैपटॉप अगर आपके पास है या फिर डेस्कटॉप है तो उससे भी आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं www.jobnow247.in। पूरी जानकारी जो है इस तरीके से जैसे यहाँ पर ओपन अप होकर के आ रही है आपके सामने, यही वैकेंसी मैम और मेरी फ़ोटो के साथ आपको दिखाई दी जाएगी। आपको सब कुछ पहले रीड आउट करना है। गाइस, मैं डायरेक्टली HR का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में सिर्फ इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करें जो कि सारी चीज़ों को पहले रीड आउट करें और फिर उसके बाद समझने के बाद अप्लाई करें। तो आप समझिए इस पूरी जानकारी को, और अगर आपको लगता है कि आप इस नौकरी में काम कर सकते हैं, आप सूटेबल कैंडिडेट हैं, तभी फिर इस फॉर्म को भरिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी वीडियोज़ और भी आप सभी के लिए आने वाली हैं आने वाले टाइम पर, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।